नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों को। भारत में 1986 से पहले एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स पीड़ित की पहचान करने वाले एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर गिलाडा का कहना है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV संचरण को रोकने और इससे पीड़ित की देखभाल के तरीकों को अपनाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं। इसके बावजूद इस ज्ञान को जमीन पर वास्तविक रूप में नहीं लाया जा रहा है। 2021 में जारी UN एड्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 3.90 करोड़ लोग HIV या एड्स से ग्रसित हैं। इनमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 18 लाख है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोगियों की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार ने आगामी 2 साल का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत 2025 तक 7.50 करोड़ रोगियों की पहचान करने के लिए गांव-गांव और जिला अस्पतालों में अभियान चलाया जाएगा। इन रोगियों की निःशुल्क जांच, उपचार और निगरानी की जाएगी। इसके लिए सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात 40,000 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाएगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक तापमान से जुड़े अपने नए विश्लेषण में कहा है कि वैश्विक तापमान अगले 5 वर्षों में पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा। इसमें कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की निर्धारित सीमा अगले 5 वर्षों में कम से कम अस्थायी रूप से भंग हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि कैबिनेट ने तय किया है कि सरकार खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी। कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपए और डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए 38,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज AMR शाह सोमवार को रिटायर हो गए। विदाई समारोह में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उन्हें टाइगर शाह की संज्ञा दी है। मीडिया के साथ एक विशेष बातचीत में जस्टिस MR शाह ने बताया है कि कैसे उन्हें टाइगर शाह कहा जाने लगा। इसके साथ ही उन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के सवाल पर भी विभागीय से जवाब दिया है। जस्टिस शाह ने कहा है कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। बता दें कि 2018 में PM मोदी की प्रशंसा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज MR शाह को एक बार सरकार समर्थन होने के लिए निशाना बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया है। इस सर्वेक्षण में शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने वाली कार्बन डेटिंग तकनीक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस कानून को वैध करार दिया है जिसमें जल्लीकट्टू को एक खेल के तौर पर मान्यता दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु का जानवरों के साथ क्रूरता कानून संशोधन 2017 जानवरों को होने वाले दर्द और पीड़ा को काफी हद तक कम कर देता है। गौरतलब है कि जल्लीकट्टू सांडों के साथ खेला जाने वाला खेल है जिसका आयोजन पोंगल में फसलों की कटाई के दौरान किया जाता है। भले ही भारत रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही भारत फ्रांस और अमेरिका के साथ अपने भविष्य की स्वदेशी लड़ाकू जेट परियोजनाओं के लिए इंजनों के निर्माण पर महत्वपूर्ण चर्चा भी कर रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अमेरिका के साथ चर्चा चल रही है, जबकि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के लिए उच्च शक्ति वाले इंजन के लिए फ्रांस से बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने प्राचीन भारतीय कला और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने लोगों के ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण को अपना स्वभाव बनाने का भी आग्रह किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने आज भी जारी हैं। पहलवानों का कहना है कि जब तक यौन शोषण के आरोपी BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस बीच धरने पर बैठे पहलवान जंतर मंतर के पास स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। वहां पर पहलवानों ने मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारे में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आजकल देश के 90% लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप यूज करने के लिए बुरी खबर है, क्योंकि 1 जून से व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज करने वालों को पैसे देने होंगे। मेटा ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने का मसौदा तैयार किया है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की ओर से 3 तरह के बिजनेस इनिशिएटिव कैटेगरी जैसे यूटिलिटी ऑथेंटिकेशन लॉन्च किए गए हैं। कैटेगरी के हिसाब से इनका चार्ज डिसाइड किया गया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के सूत्र की तरफ से एक अहम फैसले के बारे में पता चला है। इसमें भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच भारत के बाहर टेस्ट मैच कराए जाने को लेकर साफ जवाब दिया गया है। बोर्ड ने इस बात को कहा है कि चाहे विदेशी ही धरती क्यों ना हो, टीम इंडिया कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दिल्ली सरकार को सर्विसेज विभाग पर अधिकार मिल गया है। इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। केजरीवाल सरकार ने सर्विसेज विभाग के अधिकार मिलने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने अब मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को बदलने की तैयारी की है। इस पर केंद्र सरकार से अनुमति भी मांगी है।
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत की ओर से घोषित 10 योजनाओं के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में बुधवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश भर में आयोजित हो रहे महंगाई राहत कैंप ने राज्य के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को महंगाई से राहत पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। आखिरकार ओडिशा और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच की दूरी को मात्र 6.5 घंटे में तय करेगी। इसके शुरू होने से लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है। कर्नाटक चुनाव के बीच एक वीडियो ट्वीट वायरल हुआ, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वीडियो कैप्शन के साथ शेयर किया गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जनसभा में देश से हिंदुओं और हिंदुत्ववादियों को निकालने की बात कह रहे हैं। जबकि वायरल पोस्ट की पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये वीडियो 2022 में भी वायरल हुआ था। सच ये है कि वीडियो को पूरा नहीं दिखाया गया है, उसके क्लिप को लेकर अधूरे वीडियो के जरिए भ्रामक दावा किया जा रहा है। भारत में जियो और एयरटेल तेजी से 5G रोल आउट करने में लगे हुए हैं। दोनों कंपनियां पूरे भारत में कई शहरों में 5G लॉन्च कर चुकी है। हाल ही में खबर आई थी कि एयरटेल अब 3000 से ज़्यादा शहरों में उपलब्ध है, वहीं जियो 500 से ज़्यादा शहरों में उपलब्ध है। जियो की सर्विस 82,000 से ज़्यादा साइट्स पर उपलब्ध है। जैसे ही देश में 5G नेटवर्क सर्विस की रोल आउट की स्पीड तेज हुई है, भारत औसत मोबाइल स्पीड के मामले में वैश्विक रैंकिंग में 4 नंबर आगे बढ़ गया है। आर्यन खान वसूली मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एनसीबी के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई पिटीशन में डीजी और विजिलेंस हेड पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस के मुखिया ज्ञानेश्वर सिंह और डीजी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है, जो हुआ है, सब बड़े अधिकारियों के अप्रूवल से हुआ है। उन्होंने डिप्टी डीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की है। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार के चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के बीकानेर से सांसद अर्जुन मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है। मेघवाल को यह जिम्मेदारी किरेन रिजिजू की जगह दी गई है। अर्जुन मेघवाल केंद्र सरकार में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे। अर्जुन मेघवाल भाजपा में राजस्थान से बड़ा दलित चेहरा है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि राजस्थान में इसी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी अर्जुन मेघवाल के जरिए प्रदेश के दलित मतदाताओं को साधेगी। पहले चाइनीज ऐप्स पर शिकंजा, फिर से स्मार्टफोन सेगमेंट में चीन के पसीने छुड़ाना। अब IT हार्डवेयर सेगमेंट में पीलाई स्कीम के जरिए भारत सरकार चीनी दबदबे को खत्म करने की योजना बना रही है। इस स्कीम के तहत सरकार ने 17,000 करोड़ के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI की घोषणा की है। जानकार माने कि इस प्लान से IT हार्डवेयर सेगमेंट में भारत को बड़ी कामयाबी मिलेगी। कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। सिद्धारमैया के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। वही DK शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में अगले CM को लेकर देर रात तक बैठक की। बुधवार की आधी रात को CM का नाम फाइनल हो गया। सिद्धारमैया और DK शिवकुमार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा रहे हैं। अब द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होगी। बिहार में जातिगत जनगणना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में हाई कोर्ट ने पूरे पक्ष को नहीं सुना, हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। बिहार सरकार ने कहा सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है, 10 दिन का समय दिया जाए ताकि सर्वे पूरा किया जा सके। भारत का एविएशन सेक्टर इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले गो फर्स्ट एयरलाइन दिवालिया प्रक्रिया में पहुंच गई तो अब एक और एयरलाइन परेशानी से घिर गई है। स्पाइसजेट क्रेडिट सुइट विवाद मामले में कोर्ट ने एयरलाइन को 28 जुलाई तक का वक्त दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को $24 मिलियन का सेटलमेंट अमाउंट मामले में बकाया रकम पेमेंट करने का आदेश भी दिया है। दिल्ली में पहलवानों के साथ चल रहे विवादों के बीच बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में जन चेतना महारैली करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई साधु संतों और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी रैली में मौजूद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह लाखों की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस रैली में साधु संतों के साथ ही तमाम समर्थकों और शुभचिंतकों को भी आमंत्रित किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के अवैध मकानों को ढहाने के बाद चर्चा में आई जैसलमेर DM टीना डाबी ने बुधवार को शाम को विस्थापितों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था करवाई है। करीब 50 परिवारों के लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया और पीने का पानी भी मुहैया करवाया है। उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर कहा भी था कि अमर सागर तालाब क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण नहीं होने दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI को 14 अगस्त 2023 तक अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी के आरोपों की जांच पूरी करने की अनुमति दी है।
अमेरिकी वित्तीय अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के सामने आने के बाद बीते 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था। जाने माने अधिवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफर याब जिलानी का बुधवार को लखनऊ में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और अयोध्या मामले से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। वे बाबरी मस्जिद मामले के वकील थे। सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड योजनाओं के संबंध में नया नियम जारी किया गया है। इस नियम के तहत अब अभिभावक अब आसानी से अपने बच्चों के नाम पर अपने खाते से म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे। बता दें कि इसके लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने की भी अब आवश्यकता नहीं रह गई है। इस संबंध में सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार उन्हें यह धमकी भरा कॉल उनके दिल्ली निवास पर आया है। बार बार मिल रही इन धमकियों से हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले में जुट चुकी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय चौधरी, दया शंकर प्रसाद, धनंजय कुमार, एमडी साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नौकरी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।